नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफी ज्यादा अच्छे होंगे। जैसा कि आपको बताया कि न्यूजीलैंड और पापुआ न्यूगिनिया के बीच में इस T20 वर्ल्ड कप का मैच नंबर 39 खेले जाने वाला है। अब इस वाले मुकाबले की ग्रैंड लीग की टीम हमको किस तरीके से क्रिएट करनी चाहिए और एक हिसाब से अगर देखा जाए तो भाई इस वाले मुकाबले के अंदर ग्रैंड लीग जीतना काफी ज्यादा आसान भी है। और अभी तक आप एक भी ग्रैंड लीग नहीं जीत पाए हो तो भाई ये आपके लिए एक बेस्ट मौका है। इस वाले मुकाबले के अंदर अगर थोड़ा सा आपने ध्यान लगा दिया तो भाई यहाँ पर आप आराम से ग्रैंड लीग जीत पाओगे। लेकिन बात अभी यहाँ पे ये आती है कि भाई इन सारे खिलाड़ियों में से अब की बार हमारे लिए कौन सा खिलाड़ी बेस्ट होने वाला है, यानी कि हम अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर इन सभी खिलाड़ियों में से कौन से खिलाड़ी हम ज्यादा रख सकते हैं, क्या न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हम अब की बार ज्यादा रखेंगे या फिर पापुआ न्यूगिनिया के खिलाड़ी ज्यादा रखेंगे। वैसे तो आपको ये चीज भली भांति पता है कि भाई न्यूजीलैंड के सामने पापुआ न्यूगिनिया काफी ज्यादा लो टीम है और उसके जो खिलाड़ी है वो भी काफी लो है कंपेयर टू न्यूजीलैंड। लेकिन भाई हमको एक ग्रैंड लीग की टीम बनानी है तो भाई हम जो खिलाड़ी लेके चलेंगे वो भी उसी हिसाब से लेके चलेंगे। और क्या अब की बार जो सीबीसी बनाना चाहिए वो ऑलराउंडर से बनाना चाहिए या फिर बॉलिंग वाले सेक्शन में खिलाड़ी को बनाना चाहिए, ये भी आपको इस वाली वीडियो के अंदर डिटेल से मिलने वाला है। और अगर आप भी इस वाले मुकाबले की मेगा ग्रैंड लीग की टीम बना के अच्छी खासी विनिंग करना चाहते हो तो इस वाली वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन सभी खिलाड़ियों में से कौन से खिलाड़ी ऐसे होंगे जो कि फ्लॉप जाने वाला है और कौन से खिलाड़ी ऐसे होंगे जो कि भाई सबसे अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। और इन सभी खिलाड़ियों में से अब की बार हमारे लिए बेस्ट सीबीसी का ऑप्शन कौन सा खिलाड़ी होने वाला है। और गाइस इस वाली वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको मिल सकता है ग्रैंड लीग का 1 करोड़ का कैश प्राइज, वो भी सिर्फ 1 रुपए में। क्यों विश्वास नहीं हो रहा होगा बट ये एकदम सच है। अब कैसे जी सकते हो ये मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। और साथ ही साथ वीडियो के एंड में मैं आपको ग्रैंड लीग की रिक्सी टीम भी बना के बताने वाला हूँ जो की आपको काफी ज्यादा हेल्प भी करेगी। तो ये सारा कुछ आपको इसी एक वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और लाइक का टारगेट ओनली फॉर 1000 लाइक का है और मुझे उम्मीद आप सभी से 1000 लाइक तो पूरा करवा ही दोगे। तो भाई जिसने भी अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है तो भाई फटाफट से जाके लाइक का बटन दबा देना और मुझे कमेंट करके जरूर से बताना कि आप इस वाले मुकाबले के लिए टोटल कितनी टीमें बना रहे हो। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इन सभी खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी फ्लॉप जाएगा और कौन सा खिलाड़ी बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं विकेट कीपर वाले सेक्शन की। ऊपरी पर देखोगे तो यहाँ पर आपको डेवन कॉनवे देखने को मिल जाएंगे, फिर इसके बाद डोरिगा देखने को मिल जाएंगे, फिनालन देखने को मिल जाएंगे और वेरा देखने को मिल जाएंगे। ये सारे के सारे खिलाड़ी आपको विकेट कीपर वाले सेक्शन में देखने को मिल जाता है। अब इन सारे खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी फ्लॉप जाने वाला है, बेस्ट खिलाड़ी कौन सा होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं डेवन कॉनवे की। लगातार 3 मुकाबले इन्होंने भी खेले हैं इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर, उनमें से फर्स्ट मुकाबले के अंदर तो कहीं ना कहीं ये फ्लॉप गए थे, लेकिन पिछले 2 मुकाबलों से भाई डेवन कॉनवे भी काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस किया था और इस वाले मुकाबले के अंदर भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करने वाला है, क्योंकि एलिमिनेट वैसे भी न्यूजीलैंड हो गई है और पापुआ न्यूगिनिया की बात की जाए तो वो भी एलिमिनेट हो चुकी है। यानी कि ये मुकाबला चाहे न्यूजीलैंड जीतो चाहे पापुआ न्यूगिनिया जीतो, घर पे तो दोनों को ही जाना है। तो इसीलिए भाई ये जो है इस वाले मुकाबले को भी खुल के खेलने वाला है। तो इसीलिए भाई डेवन कॉनवे भी आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस इस वाले मुकाबले के अंदर करके देने वाला है। तो इसीलिए जो बेस्ट खिलाड़ी होगा विकेट कीपर वाले सेक्शन में पहला वो आपका डेवन कॉनवे होने वाला है। तो भाई आप अपनी हर टीम के अंदर इनको लेके चल सकते हो। बाकी नीचे आपको डोरिगा देखने को मिल जाएंगे, इनका विकेट अब की बार जल्दी निकलने वाला है। भले ही 2 मुकाबलों में इन्होंने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है लेकिन न्यूजीलैंड भी काफी जबरदस्त खिलाड़ी है और खास तौर पर न्यूजीलैंड के पास बॉलर काफी जबरदस्त है। तो इसीलिए भाई यहाँ पे इनकी विकेट जल्दी निकालने वाले हैं। तो भाई विकेट कीपर वाले सेक्शन में अगर आप इनको ड्रॉप आउट भी करना चाहो तो भी कर सकते हो, ज्यादा इंपोर्टेंट खिलाड़ी आपके लिए ये नहीं होने वाले हैं। बाकी ऊपर देखोगे तो यहाँ पर आपको फिनालन देखने को मिल जाएंगे। लगातार 3 मुकाबले खेले हैं और तीनों ही मुकाबलों के अंदर ये फ्लॉप गए हैं, यानी कि भाई एक भी मुकाबला इनका ऐसा नहीं गया है इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर जिसके अंदर इन्होंने अच्छे खासे रन बनाए हो। और इस वाले मुकाबले के अंदर भी इनके फ्लॉप होने के चांसेस काफी ज्यादा होने वाले हैं, तो इसीलिए आप इनको भी ड्रॉप आउट करके चल सकते हो। बाकी यहाँ पे वारी की बात की जाए तो ये तो वैसे भी लाइनअप में नहीं आने वाले हैं, तो आप इनको वैसे भी छोड़ के चल लेना। बाकी विकेट कीपर वाले सेक्शन में अगर देखा जाए तो भाई केवल एक ही खिलाड़ी आपके लिए इंपोर्टेंट निकल के आता है और वो है यहाँ पे डेवन कॉनवे। बाकी जो भी खिलाड़ी है आप ड्रॉप आउट कर लेना, ज्यादा इंपोर्टेंट खिलाड़ी नहीं होने वाले हैं। इंपोर्टेंट खिलाड़ी कौन सा होगा वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी क्या डेवन कॉनवे को सीबीसी क्रिएट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए वो मैं आपको वीडियो का आगे बता दूंगा। बाकी अब मैं आपको बता देता हूँ कि बैटिंग वाले सेक्शन में कौन सा खिलाड़ी फ्लॉप जाने वाला है और कौन सा खिलाड़ी बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा। ऊपरी पर देखोगे तो यहाँ पर आपको केन विलियमसन देखने को मिल जाएंगे, ग्लेन फिलिप्स देखने को मिल जाएंगे, रचिन रविंद्रा देखने को मिल जाएंगे, डैरिल मिचेल देखने को मिल जाएंगे, मार्क चैंपियन देखने को मिल जाएंगे, शाइका देखने को मिल जाएंगे, हीरी देखने को मिल जाएंगे और उरा देखने को मिल जाएंगे। ये सारे के सारे खिलाड़ी बैटिंग से देखने को मिल जाते हैं। अब इनमें से जो बेस्ट खिलाड़ी होगा वो पहला खिलाड़ी आपके लिए होगा ग्लेन फिलिप्स। पिछले मुकाबले के अंदर तो भाई ज्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे लेकिन उनसे पहले के अगर 2 मुकाबले देखे जाए तो भाई कहीं ना कहीं इन्होंने काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस भी किया था और वहाँ पे बेस्ट रन भी बनाए हैं। और इस वाले मुकाबले के अंदर भी यहाँ पे ये आपके लिए इंपोर्टेंट खिलाड़ी होने वाले हैं, तो भाई आप इनको हर टीम के अंदर लेके चलना। केन विलियमसन को आप ड्रॉप आउट जरूर कर लेना, क्योंकि
लगातार 3 मुकाबलों से फ्लॉप होते आ रहे हैं, ज्यादा कुछ खास फॉर्म नहीं है, तो भाई इसीलिए हम यहाँ पे केन विलियमसन को ड्रॉप आउट करने वाले हैं। बाकी नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपको रचिन रविंद्रा देखने को मिल जाएंगे। पिछले मुकाबले के अंदर युगांडा के सामने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने किया है और इस वाले मुकाबले के अंदर भी ये आपको चलते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि ये ओपनिंग करने वाले हैं और ये ओपनिंग के अंदर भी काफी जबरदस्त रन बनाएंगे। और सामने वाली टीम वैसे भी थोड़ी सी कमजोर टीम है, तो भाई इनके सामने ये अच्छे खासे रन भी बनाएंगे अब की बार, इसीलिए यहाँ पर आप रचिन रविंद्रा को लेके चल सकते हो। मार्क चैंपियन को भी ड्रॉप आउट कर लेना, बाकी शाइका को भी ड्रॉप आउट कर लेना, हीरी को भी ड्रॉप आउट कर लेना और उरा को भी ड्रॉप आउट कर लेना। नीचे के खिलाड़ी बिल्कुल भी इंपोर्टेंट नहीं होने वाले हैं, खास तौर पे जो पीएनजी के खिलाड़ी है यानी कि पपुआ न्यू गिनिया के खिलाड़ी है, वो तो बिल्कुल भी काम के नहीं है, उनकी विकेट जल्दी निकलने वाली है, तो भाई आप इनको तो लेने की गलती बिल्कुल भी मत करना। और न्यूजीलैंड के भी जो खिलाड़ी मैंने बताए हैं इनको ही लेके चलना, बाकी इनके अलावा भी ज्यादा खिलाड़ी मत लेके चलना, क्योंकि इंपोर्टेंट जो होंगे वो ये दोनों ही खिलाड़ी होने वाले हैं, बाकी इनके अलावा जो भी खिलाड़ी है आप आराम से ड्रॉप आउट करके चल सकते हो। बाकी बैटिंग वाले सेक्शन में कौन सा खिलाड़ी इंपोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी क्या इन दोनों खिलाड़ियों में से हमको किसी खिलाड़ी को सीबीसी क्रिएट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए वो मैं आपको वीडियो का आगे बता दूंगा। बाकी अब मैं आपको बता देता हूँ कि ऑलराउंडर वाले सेक्शन में कौन सा खिलाड़ी फ्लॉप जाने वाला है और बेस्ट खिलाड़ी कौन सा खिलाड़ी होने वाला है। लेकिन उससे पहले चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे आप जीत सकते हो ग्रैंड लीग, वो भी सिर्फ 1 रुपए में। 17 जून को T20 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप का मैच है न्यूजीलैंड और पीएनजी के बीच। मैच से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करें माय 11 सर्कल ऐप और अभी जाके टीम बनाओ। डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करो और रजिस्टर करने के 1 घंटे के अंदर अंदर अगर आप मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हो तो भाई आपकी एंट्री फीस हो जाएगी सिर्फ 1 रुपए और आपको मिलेगा मौका ग्रैंड लीग जीतने का। और इतना ही नहीं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप डाउनलोड करते हो और मेरा कूपन कोड यूज करते हो तो आपके फर्स्ट डिपॉजिट के ऊपर आपको 20% का एक्स्ट्रा रियल कैश भी मिलेगा। मतलब अगर आपका फर्स्ट डिपॉजिट 1000 का है तो यहाँ पर आपको 1200 मिलेंगे और साथ ही मिलेगा 1500 रुपए का कैश बोनस भी। मैंने तो अपनी टीम बना ली है माय 11 सर्कल ऐप के ऊपर न्यूजीलैंड और पीएनजी के मैच की, आप भी जाके जरूर से बनाना। माय 11 सर्कल ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑलराउंडर वाले सेक्शन में बेस्ट खिलाड़ी कौन सा खिलाड़ी होने वाला है। ऊपरी पर देखोगे तो यहाँ पर आपको वाला देखने को मिल जाएंगे, सेंटनर देखने को मिल जाएंगे, डिमिनिशम देखने को मिल जाएंगे, बाउ देखने को मिल जाएंगे, ब्रेसवेल देखने को मिल जाएंगे और एमिनी देखने को मिल जाएंगे। ये सारे के सारे खिलाड़ी ऑलराउंडर से देखने को मिल जाते हैं। अभी इनमें से जो बेस्ट खिलाड़ी होगा वो होगा यहाँ पर सबसे पहले वाला। पिछले मुकाबले के अंदर तो भाई ये नहीं चले थे, लेकिन उनसे पहले के जो 2 मुकाबले खेले हैं वाला ने काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस किया था और काफी जबरदस्त रन भी बनाए थे। और इस वाले मुकाबले के अंदर भी बेस्ट खिलाड़ी यहाँ पे ये होने वाले हैं, वो भी इसलिए क्योंकि भाई बैटिंग आएगी इनकी दूसरे नंबर के ऊपर। तो यहाँ पे ये अगर 25-30 रन भी बना देते हैं और 1-2 विकेट भी चटका देते हैं तो भी भाई आपके लिए एक यूनिक प्लेयर और इम्पोर्टेंट प्लेयर होंगे। तो इसीलिए भाई वाला को आप इस वाले मुकाबले के अंदर जरूर से लेके चलना, जो कि भाई आपको बॉलिंग भी करके देने वाला है और बैटिंग भी करके देने वाला है, इसीलिए आप इनको लेके जरूर से चलना। बाकी नीचे सेंटनर देखने को मिल जाएंगे, ये आपके लिए इंपोर्टेंट खिलाड़ी इसलिए होंगे क्योंकि सामने वाली टीम थोड़ी सी कमजोर है, तो भाई उसकी विकेटें काफी ज्यादा निकलने वाली है और सेंटनर आपको काफी अच्छी बॉलिंग करके देने वाला है और विकेटें निकाल के देने वाला है, तो इसीलिए भाई न्यूजीलैंड की तरफ से इनको जरूर से लेके चलना। बाकी जिमी निशम की बात की जाए तो भाई पिछले मुकाबले के अंदर तो उतना इंपोर्टेंट नहीं थे, लेकिन भाई इस वाले मुकाबले के अंदर अगर आप लेना चाहो तो भाई आप जिमी निशम को लेके चल सकते हो। काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, तेज गेंदबाज को ये वाला पिच भी सपोर्ट करेगा, तो कहीं ना कहीं ये विकेट भी निकाल के दे सकता है सामने वाली टीम की, तो इसीलिए इनको लेके जरूर से चल लेना। बाकी बाउ को यहाँ पे ड्रॉप आउट लेना, इंपोर्टेंट खिलाड़ी ये नहीं होने वाला है। ब्रेसवेल के खेलने के चांसेस कम होने की वजह से इनको भी हम ड्रॉप आउट करके चलेंगे और अमिनी को भी ड्रॉप आउट करके चलेंगे। यहाँ से आपके लिए जो बेस्ट खिलाड़ी होगा वो यहाँ पे 3 खिलाड़ी होने वाले हैं जिनको आप लेके चल सकते हो। बाकी इनके अलावा जो भी नीचे खिलाड़ी है आप ड्रॉप आउट लेना, उतने इंपोर्टेंट खिलाड़ी नहीं होने वाला है और ये जल्दी फ्लॉप भी जाने वाला है, तो इसीलिए भाई हम ये खिलाड़ी को नहीं लेके चलेंगे। जो भी खिलाड़ी ऑलराउंडर से बेस्ट होगा वो मैंने आपको डिटेल से बता ही दिया है। बाकी क्या इन खिलाड़ियों में से किसी खिलाड़ी को सीबीसी क्रिएट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए वो मैं आपको वीडियो का आगे बता दूंगा। बाकी अब मैं आपको बता देता हूँ कि बॉलिंग वाले सेक्शन में कौन सा खिलाड़ी फ्लॉप जाएगा और कौन सा खिलाड़ी बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा। तो ऊपरी पर देखोगे तो यहाँ पर आपको ट्रेंट बोल्ट देखने को मिल जाएंगे, टीम शावदी देखने को मिल जाएंगे, नाओ देखने को मिल जाएंगे, लोकी फर्गुसन देखने को मिल जाएंगे, मैट हेनरी देखने को मिल जाएंगे, सोपर देखने को मिल जाएंगे, फिर इसके बाद वेनुआ देखने को मिल जाएंगे, फिर इसके बाद कारिको देखने को मिल जाएंगे, ई शोडी देखने को मिल जाएंगे, कामिया देखने को मिल जाएंगे। बाकी नीचे के जो भी खिलाड़ी है एक्स्ट्रा होंगे, इनके खेलने के चांसेस कम होंगे तो हम इनको छोड़ के ही चलेंगे। अभी सारे के सारे खिलाड़ी बॉलिंग से देखने को मिल जाते हैं। अब इनमें से जो इंपोर्टेंट खिलाड़ी होगा वो पहला खिलाड़ी आपका ट्रेंट बोल्ट होगा, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट पावर प्ले के अंदर बॉलिंग करते हुए नजर आने वाला है और विकेटें भी काफी जबरदस्त निकालेगा, तो इसीलिए भाई आप अपनी हर टीम के अंदर इनको लेके चलना, क्योंकि तेज गेंदबाज को ये वाला पिच भी सपोर्ट करेगा और ये भी एक तेज गेंदबाज है। तेज गेंदबाज आपको बताए कि पावर प्ले के अंदर बॉलिंग करते हैं और सामने वाली टीम के काफी जबरदस्त विकेटें भी निकालते हैं, और अब की बार तो वैसे भी कमजोर टीम है तो भाई यहाँ पे चलने ही वाले हैं, तो इसीलिए आप यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट को जरूर से लेके चलना। बाकी टीम शावदी को भी आप जरूर से लेके चलना, ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट होंगे क्योंकि लगातार मैचों के अंदर ये भी काफी जबरदस्त विकेटें निकालते हुए आए हैं, इनको लेके चलना। बाकी नाउ को भी आप लेके चलना चाहो तो भाई लेके चल सकते हो।
न्यूजीलैंड की ज्यादा ना तो भी एक दो विकेट आराम से निकाल के ये दे सकते हैं। बाकी नीचे नीचे आपको लोकी फर्गुसन देखने को मिल जाएंगे। देखो तीन मुकाबलों से तो ये काफी जबरदस्त विकेटें निकाल रहे हैं, लेकिन अब की बार हमने ऑलराउंडर से जिमी निचम को लिया है तो इसीलिए रिस्क लेके हम इनको ड्रॉप आउट करके चलने वाला है। मैट हेनरी को भी ड्रॉप आउट करके चलेंगे। बाकी नीचे के जो भी पीएनजी के खिलाड़ी है हम उनको ड्रॉप आउट ही करेंगे। ज्यादातर जो हम लेके चलेंगे बॉलिंग वाले सेक्शन में वो सब न्यूजीलैंड के खिलाड़ी लेके चलेंगे। बाकी कौन से खिलाड़ी बेस्ट होंगे और ड्रॉप आउट किसको करना है वो तो मैंने आपको डिटेल से बता ही दिया है और लगभग सारे सेक्शन से बता दिया है कि कौन से सेक्शन से कौन सा प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और कौन से प्लेयर को आपको ड्रॉप आउट करना चाहिए। बाकी अब मैं आपको ग्रैंड लीग की रिक्शी टीम बना के बता देता हूँ जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प भी करेगी। तो गाइस फिलहाल हमारा ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से होने वाला है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। और ये जो टीम है ये ग्रैंड लीग की टीम माई इलेवन सर्कल ऐप के ऊपर है। तो कई सारे खिलाड़ी ऐसे भी है जो कि भाई बैटिंग के खिलाड़ी ऑलराउंडर में डाल दिए गए हैं तो ये कंफ्यूज मत होना। बाकी विकेट कीपर वाले सेक्शन में मैंने एक खिलाड़ी को लिया है, एक खिलाड़ी मैंने बैटिंग से लिया है। ऑलराउंडर से मैंने खिलाड़ी बढ़ाए हैं जो कि आप देख सकते हो, टोटल छह खिलाड़ी मैंने लिए हैं जिनमें से ज्यादातर न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है। बाकी बॉलिंग वाले सेक्शन में मैंने यहाँ पे तीन खिलाड़ी लिए हैं जो कि आप देख सकते हो। अब सामने वाली टीम की विकेट काफी ज्यादा निकलने वाली है तो भाई बैटिंग से एक भी खिलाड़ी नहीं लिया है, विकेट कीपर वाले सेक्शन में भी नहीं लिया है, बल्कि बढ़ाए जो है वो यहाँ पे न्यूजीलैंड के खिलाड़ी बढ़ाए हैं क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ही सामने वाली टीम पीएनजी की विकेट निकालेंगे। तो इसीलिए भाई कुछ इस तरीके का ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन आप भी जरूर से बनाना जो कि भाई आपको काफी ज्यादा सपोर्ट करेगा। बाकी इस वाले कॉम्बिनेशन में सीवीसी की बात की जाए तो भाई कैप्टन में यहाँ पर रचिन रविंद्रा को बनाने वाला हूँ और वेस्ट कैप्टन की अगर बात की जाए तो भाई ट्रेंट बोल्ट को बनाने वाला हूँ। ये दो खिलाड़ी भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं तो भाई आप इनको सीवीसी बना के चल सकते हो जो कि भाई आपको काफी ज्यादा सपोर्ट भी करेंगे। बाकी ये वाला कॉम्बिनेशन हमारा फाइनल नहीं है, लाइनअप आने के बाद कुछ भी अपडेट होता है कॉम्बिनेशन में तो वो अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिलेगा और फाइनल जो टीम रहेगी वो भी मैच स्टार्ट होने से पहले टेलीग्राम पे ही मिलेगी, तो टेलीग्राम को आप जरूर से ज्वाइन कर लेना। बाकी ये वाली वीडियो और ये वाली इंफॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताना। अगर आपने माई इलेवन सर्कल ऐप डाउनलोड नहीं किया तो भाई फटाफट से जाके डाउनलोड कर लेना क्योंकि भाई एक रुपए में ग्रैंड लीग खेलने का आपको मौका मिल रहा है। साथ ही साथ अपना फर्स्ट डिपॉजिट करोगे तो भाई 20% का भी एक्स्ट्रा रियल केस मिलेगा और वहां पर कंपटीशन कम है तो भाई जीतने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो इसीलिए भाई जाओ माई इलेवन सर्कल ऐप को डाउनलोड करो जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, लाइक का टारगेट दिया था वो जरूर पूरा करना। इस वाली वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।